देखो तुम गलती कर रहे हो औरान। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है लेकिन अपनी खाला और वालिदा से डरती हो। मैंने सही कहा ना? तो इसका सिर्फ एक ही हल है होलोफेरा, और वो ये कि तुम्हें भगा लिया जाए। चलो आओ होलोफेरा, बैठ जाओ। औरान देखो, अगर मेरी खाला जान गई क्या तो होगा? अगर वो जान जाएंगी तो कुछ भी नहीं कर सकती वो। बैठ जाओ। काराली। जी शहजादे। कैसल चलते हैं। जो हुक्म आपका। हम अपने नए कले जा रहे हैं। ये कहां से आ गया? ये काफला इसी के पास पहुंचने वाला था, वो खुद आ गया। कमांडर कारा जी लसो, क्या हो गया? थोड़ा रुक जाते, हम शहजादी को आपके पास ला ही रहे थे। मैं अपना काम खुद करता हूँ, और फिर वैसे भी ये इलाका महफूज नहीं है, और तुम्हारे सिपाही तो नाकारा है, मुझे इन पे जरा भी भरोसा नहीं है। वैसलीस, अगर शहजादी वक्त पर न पहुंची वहां तो हम सब मारे जाएंगे, समझे? चलिए ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। औरान। हुजूर। हम पहाड़ों से तीरंदाजों के साथ हमला करेंगे। जो आपका हुक्म हुजूर। अरवा के रुकते हम उनका मुकम्मल सफाया कर देंगे। जैसा आप कहें जनाब। बुरहान। जनाब, काफला करीब आ रहा है, करा जलसोन भी शामिल हो गया है। हम तो शहजादी को अगवा करने आए थे, अगर तो ऐसा है तो करा जलसोन का सर भी उतार देंगे। आ जाओ सिपाही। पहले हुक्मरानी और अब बाजार। उस्मान इतनी आसानी से नहीं रुकेगा कभी। वो यानी शहर में बाजार बनाकर खलल डालना चाहते हैं। बताएं अब क्या करेंगे हम, याकूब सुल्तान? गानीमास। जी सुल्तान। सबके लिए तहफ तैयार करो, हम उस्मान को मुबारकबाद देने जाएंगे। जो आपका हुक्म सुल्तान। मुबारकबाद? हमने सोचा कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं याकूब सुल्तान। वो सोचता है कि मुझे इस तरह पसपा कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सरदारान, इन जमीनों को तिजारत की अशद जरूरत है। अब हम सब मिलकर उस्मान साहब को मुबारकबाद देने जाएंगे। चलो। सुलेमान साहब, क्या आप कुआरे हैं? जी बिल्कुल।
खानदान बनाना बहुत जरूरी होता है सुलेमान साहब। देर हो गई है। सरदारी के तख्त पर बैठने से पहले आपको खानदान बनाना चाहिए। किस्मत में यही था याकूब साहब। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सुल्तान? आ जाओ। सुल्तान, जासूसों की तरफ से खबर आई है, एक शहजादी को मंगोलों के साथ बाज़ंतीनी इत्तेहाद में भेजा जाएगा और इत्तला उस्मान साहब तक भी पहुंच गई है। उस्मान हमें एक और मुसीबत में न डाले। चले सरदारान, चले उस्मान के बाजार में। डरिए मत, मैं यही हूं आपके साथ। सिपाहियों, ये एक जाल है, तैयार हो जाओ। शहजादी की हिफाजत करो। चलो। इनके लिए कयामत शुरू हो गई है। चलो। तुमने अपनी मौत को खुद दावत दी है। अगर ऐसा होगा तो मेरी मौत होगी, याद रखना। अगर अभी तुम्हारा वक्त है। कहाँ भाग रहे हो? तुम्हारे पास देने के लिए अभी जान है। उस्मान, तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या वाकई? तो चलो आ जाओ। चलो उठ जाओ, इधर आओ। तुम हमें मार नहीं सकते, हमारी रूह हमेशा जिंदा रहेगी। अफसोस हो रहा है तुम्हारे लिए, अपनी जमीन पर कभी भी चैन से नहीं रह पाओगे, कभी नहीं। अच्छा तो ऐसा है,
ये तुम करोगे, तुम हमें खत्म करोगे हा? तुम्हें लगता है तुम कामयाब हो जाओगे, लेकिन ये सिर्फ एक ख्वाब रह जाएगा। जब भी कभी मासूमों पर जुल्म किया जाएगा तो उनके लिए हम ढाल बनकर खड़े होंगे। तुमने क्या कहा था, तुम हमें खत्म करोगे हा? उठ जाओ, उठ जाओ। मुझे मेरे खुदा से मिला, जल्दी मार दो मुझे। एक मरता है फिर हजार आते हैं। जीते जी तुम शहजादी को नहीं ले जा सकते। तुम्हारा सर विकल्प कर गोरखलोहान आ चुके हैं, वो तुम्हारा नाम और निशान मिटा देंगे। उस्मान हम शहजादी को अपने साथ नहीं ले जा सकते। निकलो यहाँ से। उस शख्स पर खंजर से वार करते हैं जो आपको बचाने की कोशिश करता है। शहजादी तुम क्या बचाओगी मुझे वैश्य तुर्क? हाथ छोड़ो मेरा। तुम अब कांटों से बच गई हो शहजादी, चलो हमारे साथ। शहजादी मारिया, तो तुम्हारे जरिए सियासी खेल शुरू हो रहा था जो हमारे मुफाद में नहीं है, और यही वजह है कि तुम हमारी मेहमान बनकर रहोगी कुछ देर के लिए। इसका हिसाब जरूर लिया जाएगा तुमसे शहजादी। आयकुत, अपने साथ शहजादी को सोत ले जाओ। जी जनाब। संजक्सेस भी आप लोगों के साथ जाएंगे। बुरान जनाब, चलो हम यानी शहर जाएंगे। जिन्होंने बाजार के बारे में सुना है वो यानी शहर रवाना हो चुके होंगे। जो हुकुम सरदार। आ जाओ सिपाहियों। मैंने कहा था यहां निजाम कायम करो, लेकिन यहां हाल देखो, हर चीज को दोबारा तरतीब दें। इस बाजार की अहमियत को मैं कितनी बार बताऊं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर इसी तरह गुस्से में रहे तो कुछ ठीक नहीं होगा भाई। मेरा दिल जल रहा है फातिमा, दिल और दिमाग में एक कश्मकश है। भाई हकीकत कौंजा खातून के सामने है, किसी और के अल्फाज आपको इस हाल से नहीं निकाल सकते। गुंजा के बारे में मुझसे बात मत करो, शायद वालिदा ठीक ही कह रही हैं, उससे दूर रहना ही बेहतर है।
आप तो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन किस्मत ऐसा नहीं चाहती। जाएं और उनसे बात करें। आपको उनसे जाके बात करनी चाहिए। जाएं भाई। मुझे बहुत काम है। देखो तो कौन आया है। खोज लगाने आखिर आ ही गई। नजरअंदाज कैसे करें। चलो आ जाओ, उनका इस्तकबाल करते हैं। आलगन, गौंजा से बात करो। अलाउद्दीन अब उससे कभी बात नहीं करेगा और मेरा उससे बात करना मुनासिब नहीं है। मैं उन्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहती। खुशामदीद सादत खातून। हमें बिल्कुल भी आपके आने की उम्मीद नहीं थी। हाँ, क्यों नहीं आएंगे हम जनाब? मैंने सोचा कहीं आपको मशवरे की जरूरत ना पड़े। बाजारों को संभालने की मेरी महारत से आप वाकिफ होंगी यकीन। आपको बहुत ख्याल है हमारा। तो आइए चलते हैं, बाजार देखते हैं हम। गोंजा, बात करनी है तुमसे। औरान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। सुनो मेरी बात। तुम्हारा कमरा है ये आज से। चलता हूं। औरान, बात सुनो मेरी। खुदारा ऐसा नहीं करो। इससे पहले कि किसी को पता चले, मुझे जाने दो यहाँ से, क्योंकि इसका अख्तिताम अच्छा नहीं होगा। अच्छा होगा, अख्तिताम अच्छा होगा। इतना अच्छा कि याद रखोगी ओलोफेरा, मैंने जो किया सोच के किया है। तुम मुझे और खुद को आग में झोंक दोगे। तुम मेरी खाला को नहीं जानते औरान। और तुम्हारी खाला मुझे नहीं जानती ओलोफेरा। देखो, मैं हर चीज तैयार हूं करने के लिए। मुस्तकबिल के लिए हो या कुछ भी, इससे पीछे हटना मुमकिन नहीं। हट जा। तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा मुझे, मैं मुसलमान नहीं बनूंगी, इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकती। तुम्हारी जरूरत की हर चीज यहां मौजूद है ओलोफेरा। उसके अलावा अगर कुछ चाहिए हो तो दरवाजे पे सिपाही मौजूद है, उनसे कह के मंगवा लेना। चलो अब मुझे रास्ता दो, जल्दी। औरहान, औरहान बात सुनो मेरी। औरहान मेरी बात तो सुन लो। औरहान, मैं जानता हूं अच्छी तरह तुम्हारे दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत कैसे जगानी है। आप बहुत नफीस लड़की हैं गुंजा खातून। आपने मेरी बात मानी और खेल खत्म कर दिया। तुम कुछ नहीं जानती हो आलगन। आपको लगता है ये खेल जानबूझकर खेला है मैंने। मैं वो आखिरी शख्स होंगी जो अलाउद्दीन को किसी भी किस्म की तकलीफ पहुंचाएगी। क्या कहा? क्या वाकई तुम्हें अलाउद्दीन साहब से सच्ची मोहब्बत है? मोहब्बत तो खामोशी से हो जाती है। या अल्लाह, तुम्हें तो सच में मोहब्बत है। मैं जानती हूं ये नामुमकिन है, हम कभी नहीं मिल सकते। गुंजा, इसमें मेरा कसूर नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत मजबूर हो गई थी। बाला खातून ने उकसाया था मुझे बोलने के लिए। तुमने अलाउद्दीन को बताया ये सब? मैंने उनसे कह दिया कि गुंजा किसी और से मोहब्बत करती है। आलगन, तुमने ये क्या किया? अनजाने में मैंने उनसे पता नहीं क्या कह दिया, जबकि मैं खुद भी हकीकत से नाशना थी। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या बाला खातून की अलाउद्दीन से बात हुई उसके बाद? नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको सच बताने में ताखीर नहीं करनी चाहिए। तभी वो इतने गुस्से में था।
बाला खातून से पहले मुझे अलाउद्दीन से बात करनी है। गोंजा, क्या उनसे सच कहना चाहिए हमें? मैंने गलत किया उसके साथ, इसलिए सच जानना उसका हक है। क्या आप अलाउद्दीन को वहां मुझसे मिलने के लिए बुलवा सकती हैं? हाँ, फिक्र मत करो, भेजती हूँ मैं खबर। हाँ ठीक है। अच्छा, तो हर चीज की वजह तुम हो अलगन। जब सादत खातून को यह पता चलेगा तो वो तुम पर जमीन तंग कर देंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सरहदी बाजार की तरह ये भी बहुत अच्छा है और मैं हर बार की तरह अव्वल दर्जा हासिल करूंगी। सरहदी बाजार शायद आपके लिए काफी नहीं है सादत खातून। तजारत का मुकाबला बहुत सख्त होता है बाला खातून। अच्छा है, यानी शहर में भी एक बाजार है, इसकी बदौलत सरहदी बाजार की कदर में इजाफा होगा। तो आप एक जगह चाहती हैं सादत खातून? जो भी जगह चाहती हैं आप उसे मुंतखिब कर सकती हैं। अगरचे आपने हमें बदतरीन जगह दी थी लेकिन हम क्या तुम्हारे कालीन मेरे माल का मुकाबला कर सकते हैं मनु? यकीनन ये जगह मेरे लिए बेहतरीन साबित होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सादत खातून, यानी शहर की तिजारत आसान नहीं बल्कि उसके बरक्स है। हमारी बदौलत आप ग्राहकों को सरहदी बाजार ले जाएंगी। हाँ, अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी, मैं जरा बाजार में घूम फिर कर देखूं हमारे माल के लिए कौन सी जगह बेहतर होगी। चलती हूँ। जी जी जरूर, देखिए। शहंशाह गोरखलो, तुम उस्मान से इंतकाम नहीं ले सके और अब शहजादी को भी तुम लोगों ने खो दिया। जनाब, जब तक मेरी सांसें बाकी हैं, मैं हर हाल में उस्मान का सर काट के रहूंगा। उस्मान की वजह से भाग आए और शहजादी को भी उसके पास छोड़ाए। जो कुछ तुम्हारी आंखों ने देखा और जो कुछ तुम्हारी रूह ने महसूस किया वो बस यहां तक ही था। मैं अपने दुश्मन को बख्शता नहीं हूं, इंतकाम लेता हूं, वो भी इबरतनाक। वफादारी पे समझौता अपनी मौत के बराबर होता है। कौन लेगा इंतकाम? मैं लूंगा, मैं जनाब, मैं उस्मान से बदला जरूर लूंगा। तुम इतने ज्यादा बेबस थे कि इंतकाम नहीं ले सके। उस्मान की औकात मेरे कदमों में भी नहीं है।
जनाब गोरकुलोहान, उस्मान के सिपाही शहजादी को सौत लेकर गए हैं। गोरकुलोहान, सौत में दाखिल होना आसान है, मुझे इजाजत दीजिए, मैं शहजादी को लाऊंगा और उस्मान से अपना इंतकाम भी लूंगा। उस्मान की मौत सिर्फ मेरे हाथ लिखी है, उसका सर सिर्फ मेरा है, उससे इसी दुनिया में इंतकाम लेना है, क्योंकि मैं उस वक्त तक का इंतजार नहीं कर सकता। अगर इतनी हिम्मत है कि इस दुनिया में इंतकाम लो तो खड़े हो जाओ। मेरी तलवार को न्याम से निकाल दो और सौत को खून से रंग दिया जाए, और जो कोई भी ललकारे उसका सर काट दो। सब बता दूंगी, मैंने गलत किया उसके साथ, आज वो सच जान जाएगा। चला खातून, अलाउद्दीन साहब, पिछली बार तो ठुकरा दिया था और अब मुझे पैगाम भेज रही है। क्यों, मेरा बुलाना अच्छा नहीं लगा आपको? मैं तो आपके बुलाने पर आ जाती थी, कभी भी आपसे ना मिलने का बहाना नहीं किया मैंने, और आप एतराज कर रहे हैं। नहीं, चाहे मुझे कोकाफ के पीछे ही क्यों ना बुलाओ, मैं वहां भी आऊंगा। अलाउद्दीन, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मैंने कुछ सुना है, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों से जवाब हासिल करना चाहता हूं। गोंजा, मैंने सुना है कि तुम्हारे दिल में कोई और है। नहीं, गलत सुना है आपने, मेरे दिल में कोई नहीं है। क्या वाकई ऐसी बात नहीं है? तो फिर क्या मैं हूं? अलाउद्दीन, नहीं, मदरसे वाला कहो, मुझे अलाउद्दीन मत कहा करो गुंजा। ठीक है, मदरसे वाले। कुछ कहना चाहती हूं तुमसे मैं। कहो चला खातू, कहो, मगर पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। जब तुम्हारे दिल में कोई नहीं है, फिर तुमने मुझे क्यों ठुकराया? दरअसल बात यह है कि रुको, पहले मेरी आंखों में देखो और मेरे सवाल का जवाब दो चला खातू। एक दिन में ऐसा क्या बदला कि आपने मुझे ऐसा जवाब दिया गोंजा खातून? गोंजा, मेरी आंखों में देखो, जब इस तरह तुम मुझे देखती हो तो मुझे जवाब की जरूरत नहीं होती। ऐसे मत कहे, मेरे उस जवाब का इंतजार मत करें, और भी कई सवालों के जवाब देने हैं मुझे आपको। अलाउद्दीन, मैंने
वालिदा की बात सुनी। कौन जा? वालिदा? सादत खातून। मैंने क्या अलाउद्दीन से मिलने को मना नहीं किया था? बताओ मुझे। सादत खातून, आप ऐसा नहीं कर सकती, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। अलाउद्दीन साहब, अच्छी तरह जान लो कि मेरी बेटी के करीब आने की कोशिश भी मत। हमारी जिंदगी कोटलो खान के नाम। ये क्या हो रहा है? सब दूर हो जाओ, दूर हटो। भाई सुनो, ये मंगोल सिपाही है, वो अंदर आ गए हैं। सिपाहियों, सब लोगों को अंदर ले जाओ, जल्दी। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। सबको महफूज मकाम पर ले जाओ, चलो जल्दी करो। तुम सब के सब मारे जाओगे, सिर्फ खून बहेगा यहाँ। जो भी रास्ते में आए उसकी गर्दन उड़ा दो, कोई जिंदा ना बचे यहाँ। सिपाहियों, जल्दी शहर जाओ, उस्मान साहब को खबर करो, जल्दी। सबको जला कर राख कर दो। शहजादी को लेकर आओ और जो कोई भी बाकी बचे जला के राख कर दो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आसानी करे। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। बताइए इसकी क्या कीमत है? जनाब, ये खास चमड़े से बनाया गया है, बहुत बारीकी से तैयार किया जाता है। इसकी कीमत 3 सिक्के है। ओ, 3 सिक्के? जी जनाब। तो ये बहुत सस्ता नहीं है? जनाब, आपने हमारी रोजी रोटी के लिए दरवाजा खोला है, हम कम मुनाफे में ही खुश हैं। ये कीमत अलाउद्दीन साहब ने मुकर्रर की थी, हमने तो इसकी कीमत 5 सिक्के रखी थी। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह आसानी करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। बेटा, क्या तुम हर चीज पर ऐसी शरारत रख रहे हो? जी जनाब।
हम हर चीज में तवाजुन रखते हैं ताकि तिजारत को फरोग मिले। चलो अच्छा है, रियासत ही सब कुछ है, ताजिर का तवाजुन अगर खराब ना हो तो जंग में सिपाही के पांव पर पत्थर भी नहीं लगेगा। खुश रहो, बहुत अच्छा काम किया है। बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत शुक्रिया। चलो आ जाओ, आगे भी देख लेते हैं। मलहून देखो जरा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, अल्लाह रिस्क में बरकत दे। ये तो हाथ से बना हुआ है, बहुत खूबसूरत, अच्छी कारीगरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। उस्मान साहब, हमने आपको सरहदी बाजार खोलने की दावत दी थी, आपने हमें दावत क्यों नहीं दी? खैर तो है याकूब साहब, बाजार अभी नया है, दावत देने का वक्त आएगा तो बेशक दावत देंगे। खैर बताइए कैसे आना हुआ यहां? आप इख्तियार वाली कौम में एक आजाद रियासत का ऐलान करते हैं, इसीलिए मैं आपके सामने आकर खड़ा रहूंगा। आखिर हम सामने खड़े होने वालों से कब डरने लगे? बताइए आने की वजह क्या है? मेरे यहां आने की वजह जाननी है? हाँ। कहा जा रहे हो तुम मंगोल? जिसने इलाका छीना मेरा उसे जला के राख कर दूंगा मैं। सौत के तबाह होने तक हमला करता रहूंगा। सौत बर्दाश्त करेगा और तुम फना हो जाओगे। जो ज्यादा भोगते वो काटते नहीं कभी, तेरी मौत मेरे हाथ लिखी है। टूट पड़ो संजक से सिंह पर, जालिमों को जड़ से उखाड़ फेंको। हमारा रास्ता एक है और हमारा दावा भी, मारो संजक से मारो। मेरे भाई, शहजादी को बचाने के लिए जिंदान की तरफ आओ। जो मुसीबत में है वही दवा की तलाश में है, वो जो अपनी परेशानी का इलाज नहीं ढूंढ रहा है, क्या वो आशिक है?
यूनुस, आओ अपने दोस्त की तकलीफ को कम करो। जिसके दिल पर इश्क तीर नहीं लगा, क्या वो आशिक है? अस्सलाम वालेकुम यूनुस अमरे। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद औरान साहब। उम्मीद है मैं गलत वक्त पर नहीं आया। एक बहुत अहम मसला है, आपकी मदद की जरूरत है यूनुस अमरे। अस्तग़फिरुल्लाह, अगर मेरे पास दवा है तो मैं आपसे नहीं छुपाऊंगा। जी ठीक है, तशरीफ रखें, बैठिए। वालिदा, वो मेरी और होलोफेरा की शादी पर राजी नहीं जब तक वो इस्लाम कबूल ना कर ले। मैं चाहता हूं वो मुसलमान हो ताकि दुनिया के साथ आखिरत में भी एक साथ रहें। लेकिन उसे कायल नहीं कर पा रहा हूं मैं। यूनुस अमरे, मैं चाहता हूं कि होलोफेरा इस्लाम के बारे में सब कुछ जाने, वो पसंद करेगी उसे। सिर्फ अल्लाह है, जो कहता है हो जा तो हो जाता है। वो हमसे प्यार करता है, हम जब चाहें बंदे को मोमिन नहीं बना सकते, जब तक वो ना चाहे तो। वो नहीं चाहती और मैं भी नहीं जानता कि क्या करूं अब। यूनुस अमरे, आपकी बातें दिल को छू जाती हैं। उस दिन जब हम पहली दफा मिले थे तो होलोफेरा भी आपकी बातें सुनकर बहुत मुतासिर हुई थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपके पास मेरे दर्द का इलाज है, मेरा काम आसान कर दीजिए। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बस करीबी रिश्तेदारों को यकीन दिलाने के लिए बहुत सारी बातें की। तुम्हें मालूम है उनके इतने ज्यादा इसरार के बाद भी उनके चचा ने कहा कि मैं अपने बाप दादा के दीन पर हूं। प्यार सिर्फ प्यार ही होता है। हुजूर तमाम इंसानों के लिए सबसे ज्यादा खैर ख्वाह हैं। आप इंसानों की हिदायत में हर वक्त तबलीग और मुसलसल कोशिश फरमाते रहे। बस करीबी लोगों का इस्लाम कबूल ना करना आपके लिए गर्व का सबब था। आपकी चाहत यही थी कि सब इस्लाम कबूल कर लें। अलबत्ता ये सब के नसीब में नहीं होता। सूरह कसस की आयत नंबर 56 में अल्लाह फरमाता है, बेशक ऐसा नहीं है कि तुम जिसे चाहो उसे अपनी तरफ से हिदायत दे दो, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत दे देता है और वो हिदायत वालों को खूब जानता है। उस मुबारक दौर में भी ऐसे बदनसीब थे जो हक को नहीं मानते थे। यकीनन अल्लाह जब चाहता है और जिसे चाहता है उसे हक की तरफ कर देता है। आपका मतलब है यूनुस अमरे, इंतजार करना होगा सबके लिए, यही कह रहे हैं आप? नहीं, मुसलमान इंतजार नहीं करता बल्कि वो कोशिश करता है। लेकिन अब आप कहते हैं कि उसे इस्लाम के बारे में बताएं, तो फिर उसे उसकी जुबान में बताते हैं, जैसा कि हमारे रसूल ने किया था। वरना मिंबर पर बैठकर जन्नत और जहन्नुम के बारे में बताना आसान काम है, बैठकर इस्लाम के बारे में बात करना आसान है। आम बात यह है
क्या हम मुसलमान बन सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं? क्या हम रसूल के अखलाक की तकलीफ करने के काबिल हैं? क्या हमारी इबादत में इतना इखलास पाया जाता है? इस वजह से हम सबसे पहले इसको देखेंगे, फिर इस पर बात करेंगे। जब हम इस्लाम की हकानियत के बारे में हिकमत से बताएंगे तो उम्मीद है वो हलो फेरा इस्लाम कबूल कर लेगी। क्या उस पर मेरी बात असर करेगी या आपकी बात असर करेगी, फैसला आपका है। वरना तो हमारी जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज उसके लिए लगू होगा। हलो फेरा की ऐसा करने की ख्वाहिश आप पर मुनासिर है उरान साहब, इसलिए हलो फेरा की ख्वाहिश मुझ पर मुनासिर है। मैं आपकी बात समझ गया, बहुत शुक्रिया यूनुस अमर। हमारे यहां आने की वजह आपकी आजाद रियासत और आपके बाजार की मुबारकबाद पेश करना है उस्मान साहब। तहाइफ लाओ जल्दी। उस्मान साहब, शुक्रिया। सलामत रहें याकूब साहब। आपको सरदारों में शामिल ना करना मैं दुश्मन नहीं बनाता उस्मान साहब। हम चाहते हैं कि हम सब एक साथ मिलकर रहें। आप भी सलामत रहें उस्मान साहब। शुक्रिया। हुजूर, मंगोल काफिरों ने शहजादी को लेने के लिए सऊद पर हमला किया है। क्या? शहजादे, खैर तो है उस्मान साहब? खैर नहीं है याकूब साहब। मंगोलों ने सौत पर हमला कर दिया है। उनसे अब हम बहुत अच्छी तरह पेश आएंगे। सिपाहियों आ जाओ। मान साहब, आपने कहा आजाद रियासत, आप कह रहे थे कि इस रास्ते पर तन्हा चलेंगे, ये हैं आपके दावे। ये
यहां तक कि आप अपनी आबाई जमीन को भी महफूज ना रख सके। अब आप क्या करेंगे उस्मान साहब? याकूब साहब, हम इस सरजमीन के लिए उन पर भरोसा नहीं करते जो खंजर तक नहीं निकालते, यहां तक के जालिमों के खिलाफ भी नहीं। हरगिज फिक्र मत कीजिए। मेरी सरजमीन पर हमला नहीं हुआ उस्मान साहब, मैं फिक्रमंद नहीं, क्योंकि जालिमों को हमने ललकारा था, क्योंकि उनके चालों को तबाह कर दिया हमने, इसलिए उन्होंने तलवार उठाई। और आप पहले की तरह भी झुके हुए हैं याकूब साहब। आपकी उम्र दराज हो, सिपाहियों आ जाओ। जाओ उस्मान जाओ, इस तरह से तुम बहुत सी मुसीबतें अपने ऊपर खुद ले आओगे। कायमास। मेरे सुल्तान। ताजरों को और दुकानदारों को जमा करो, मुझे उनसे कुछ कहना है। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। वो हमें गिराना चाहते हैं, डगमगाता हुआ देखना चाहते हैं। वो हमको नहीं गिरा सकते मलहूम, वो जो भी करेंगे हम उनका मुकाबला करेंगे। अभी उस्मान के सौत पहुंचने का इंतजार करते हैं। उस्मान, वो शहजादी को ले गया, धोखा हुआ है हमारे साथ, सौत को तबाह कर दो। यानी शहर के लोगों, आप सब ईमानदार ताजिर हैं जो हलाल रोजी के मतलाशी हैं, लेकिन वो आपकी तिजारत मुकम्मल हराम कर देंगे। मंगोलों ने सऊद पर हमला किया है, यानी शहर पर भी हमला हो सकता है। उस्मान साहब की जंगें तुम सबको मुश्किल में डाल देंगी। मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारे काफिलों पर हमला होगा, तुम्हारे बाजार पर हमला होगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं याकूब साहब? साफ साफ क्यों नहीं कहते? मैं कहना चाहता हूं कि ऐ ताजरों, अपने सरदार के इशारे पर ऐसे मत चलो। अपना सामान सरहदी बाजार में ले आओ। याकूब साहब, इस वक्त जबकि जालिम उस्मान पर हमला कर रहा है, उनकी मदद करने के बजाय यहां नफरत और इंतजार फैला रहे हैं। बहुत खूब, इस तरह के रवैये की आप ही से उम्मीद है। जबकि ये तमाम अफराद एक सुल्तान के पीछे आना चाहते हैं, जिसने तन्हा रहने का इंतखाब किया वो अकेले अपने अमाल की कीमत चुका है। अवाम को इसकी कीमत अदा करने की जरूरत हरगिज नहीं, मैं इन्हें आपके हाथों से बचा लूंगा। यानी शहर के लोगों, अब से आप
सरहदी बाजार में कोई महसूल अदा नहीं करेंगे। सरहदी बाजार में महसूल नहीं लिया जाएगा। शुक्र है अल्लाह का, तो अच्छी बात है। गर्मियों के जंगजू तुम्हारे काफलों की हिफाजत करेंगे। अपनी जानो माल हरगिज किसी ऐसे शख्स के सुपुर्द मत करें जो अपनी आबाई सरजमीन की भी हिफाजत नहीं कर सकता। याकूब साहब, हर मुमकिन कोशिश कर लीजिए, लेकिन हम और आवाम आपके धोखे में नहीं आएंगे। ठीक है, मैदान आपका हुआ। उन्होंने सब जला दिया उस्मान साहब। ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, अब ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत करें। सिपाहियों, जख्मियों को देखो, चलो जल्दी। हर जगह गौर से देखो, ख्याल रखो जख्मियों का। सिपाहियों, कुछ नहीं बचा हमारा, मेरा बेटा भी मार दिया उन्होंने। फिक्र मत करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा, अल्लाह इन्हें शिफा देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जनाब। ये सब क्या है बताओ, ये सब क्या है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सिपाहियों, सिपाहियों, जवानों, ये बच्चा मासूम,
तुम लोगों ने एक शहजादी की खातिर मेरे मासूम लोगों को जान से मार डाला, मेरे लोगों को मार डाला। खोकलो, इसका तुमसे हिसाब लेकर रहूंगा। हाँ, गवाह है ये मासूम बच्चा। ये जो कुछ किया है ना तुमने, इसका इंतकाम लूंगा मैं, इसका इंतकाम लेकर रहूंगा मैं। हाँ, मेरा बेटा, मेरा मासूम बेटा, मेरा बच्चा। अलाउद्दीन जनाब, जख्मियों के इलाज का बंदोबस्त करो फौरन। जो आपका हुक्म। अलन, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। लोगो, हरगिज फिक्र मत करें, उन गीदड़ों से उनके किए का हिसाब जल्द लेकर रहेंगे। जाकर लोगों को देखो फल और पूरी करो उन सबकी जरूरियात। जो आपका हुक्म जनाब। जनाब, हम उन्हें हरा नहीं पाए, आबाई जमीन की हिफाजत ना कर सके। वो अचानक आए थे जनाब, हमने भरपूर मुकाबला किया, अपनी पूरी कोशिश की, मगर एक तरफ लोग और दूसरी तरफ जंगजू, हम नहीं बचा पाए, नहीं बचा पाए। उस्मान साहब, मेरे भी कई भाई शहीद हो गए हैं। जोरदवान अब नहीं रहा, अल्लाह का शुक्र है तलाई सिपाही यहां मौजूद था, इसने सख्त मुकाबला किया, इसने नुकसान कम करने की बहुत कोशिश की। शुक्रिया, अल्लाह जजा दे तलाई सिपाही। मेरा फर्ज है ये जनाब, मुझे अफसोस है कि हम उन्हें शिकस्त ना दे सके। तुम संजाक सेल्स के लोगों के दरमियान दाखिल हो गए, तुम्हारा मकसद सिर्फ और सिर्फ उस्मान का कुर्ब हासिल करना है, उसका हर एक कदम जानना है तुम्हें। तलाए, गोरकलोहान को तुम पर फख्र है। जैसा आपका हुक्म। चलो फिर। क्या हम इस सब के लिए उनसे हिसाब नहीं लेंगे? बिल्कुल हिसाब लेंगे उनसे। कब नहीं लिया हम लोगों ने, कोई इसकी फिक्र मत करे। उन सब से इसका इंतकाम जल्द लिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जख्मियों का इलाज किया जाए, उसके बाद गोरकुलोहान पर हर मुमकिन तरीके से वार करेंगे। फौरन जनाब। इंतहाई माहिर दिलेर, गोरकुलोहान के पीछे रवाना करो, वो गीदड़ जरूर मिल जाएगा। जो आपका हुक्म। सिपाही, आज कसम खाकर कहता हूं कि हम इंतकाम लेकर रहेंगे। क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। ये यानी शहर है सरहदी बाजार नहीं, जो इस तरह झंझोड़ोगी मुझे। खामोश रहो आलगन, अंदर चलो। क्या कर रही हो? चुप रहो आलगन। सादत खातून खैर तो है? कौन होती हो, कौन होती हो तुम मेरी बेटी को धमकियां देने वाली? हाँ, क्या हमने तुम्हें इसलिए कबूल किया
और तुम्हें अपने दस्तरखान पर जगह दी कि तुम खुद को मेरी बेटी के बराबर समझने लगे। औकात क्या है तुम्हारी आलगान? वही किया जो मुझे सही लगा। पूछना तो मुझे आपसे चाहिए, ऐसा कैसे कर सकती है कोई माँ अपनी बेटी के साथ? मैं तुम्हें यही मार डालूंगी आलगान, यही मार डालती मैं तुम्हें, लेकिन दुआ दो अपने बेटे को जिसकी वजह से तुम्हारी जान बच गई। तो मुझे समझ नहीं सकी, मेरे मुकाबले पर खड़े होने से पहले तुम्हें मेरी तरह मजबूत होना चाहिए था आलगान। अब तुम किसी से भी एक लफ्ज नहीं कहोगी, समझ गई? भूलना मत, मैं अलाउद्दीन साहब और काय की मकरूज हूं, मैं कुछ नहीं छुपा सकती सादत खातून। सुना तुमने फितनात? काय की मकरूज है आलगन, तो फिर तुम उन्हें गौंचा से पहले जयकुदाय के बारे में बताओ। जयकुदाय ने क्या किया? क्या किया उसने तुम नहीं जानती? जयकुदाय याकूब साहब का जासूस है, उस्मान साहब की हर हरकत की खबर देता है। वो ऐसा नहीं कर सकते, जयकुदाय उस्मान साहब को धोखा नहीं दे सकते। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो पूछो अपने शौहर से। देखो, अगर तुमने एक लफ्ज भी किसी से कहा तो मैं सबको बता दूंगी कि जयकुदाय ही असल जासूस है और उस्मान साहब जयकुदाय का सर कलम कर देंगे। अब जाके अपने शौहर से पूछो। हमने आलगन को चुप करवा दिया है। अलाउद्दीन जो चाहता था वो जवाब उसको दे दिया। वो समझेगा कि गौंजा का उससे भागने का सबब मैं बनी हूं। इस तरह से उसे हमारे खेल का कुछ पता नहीं चल सकेगा। लेकिन गौंजा खातून को कैसे राजी करेंगी आप, जबकि अलाउद्दीन साहब को वो सब कुछ बताने वाली थी? फितनात, हर इंसान की एक कमजोरी होती है। बहुत बातें हो गई, चलो बाहर के हालात देखते हैं। गोनूर, कई सरदारों को पैगाम भिजवाओ, कई लश्कर तैयार करेंगे फौरन, हर जवान उस लश्कर में शामिल होगा। जैसा आप कहें जनाब। उस वक्त तक तरबियत दी जाए जब तक वो महारत से लड़ने के काबिल ना हो जाए। आपका हुक्म सर, आंखों पर। सारे जासूस गौर कुलू खान के पीछे गए हैं जैसा आपने हुक्म दिया था, वो उसे जल्द तलाश कर लेंगे इंशाल्लाह। शहजादी के हमारे पास रहने से उनकी साख मुतजलजल हो जाएगी, इल्हानी रियासत को पता लगे बगैर वो हम पे वार करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उन पे हमला कर देंगे ताकि आइंदा तकलीफ का सामना न करना पड़े। यानी शहर जाने के लिए घोड़े तैयार हैं मेरे हुजूर? नहीं, यानी शहर अभी हम नहीं जाएंगे। अब वो पागल कुत्ते की तरह हमला करेगा, जब तक कि वो जिंदा है रुकेंगे नहीं हम लोग। एक बड़ी करारगाह बनाएंगे, सभी सरदार हमारे साथ होंगे। सभी सरदार अपनी जायदादों को महफूज कर लें और फिर हमारे पास आए। आ जाओ अमीर गौर कुलोहान। कहो। मैं कौनिया से फौज मंगवाऊंगा। जरूरत नहीं, उन्हें कुछ पता लगना नहीं चाहिए, उसके लिए हमारे जंगजू ही काफी हैं। इस वक्त मसला शहजादी है, कमांडर। हमारे जंगजू हर तरफ फैल चुके हैं, वो शहजादी को हर जगह तलाश करेंगे, हर जगह। हमारा जासूस उस्मान के करीब है, वो जल्द खबर देगा हमें।
इंतजार नहीं करेंगे। हम कबाइल और बाजारों पर हमला करेंगे जब तक शहजादी नहीं मिल जाती। उस वक्त तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। ऐसा ही होगा। वो मेरी मुस्तकबिल में होने वाली बीवी को ले गया है। कमांडर मारिया ये मिल जाने के बाद मंगोलों की एक फौज आएगी और वो इत्तेहाद करेगी बाज़ंतीनियों के साथ और गुस्ताख तुर्कों के सरों से एक मीनार बनाऊंगा मैं और उसके ऊपर चढ़कर दुनिया देखूंगा। मगर उससे पहले शहजादी को यहां लाना होगा और इस काम का इनाम भी दूंगा तुम्हें कमांडर। नजदीक आओ। चलो उस्मान साहब के पास चले। उस्मान के सिपाही हमारे पीछे हैं और जब वो हमारे पीछे आए तो तुम उस्मान का निशाना लगाओगे तो मैं शहजादी को अपने साथ ले जाऊंगा। तुम कभी दोबारा यानी शहर में कदम नहीं रखोगी गोंजा। वालिदा मैं ऐसा नहीं। गोंजा हमें सरहदी बाजार में बहुत काम करना है। सिपाहियों गोंजा खातून के साथ रहिएगा जब तक ये सरहदी बाजार न पहुंच जाए। जाओ। सादत खातून आप ये क्या कर रही हैं? हाँ क्या ये सही वक्त है हमें और हमारे लोगों को उकसाने का? लोगों को उकसाना ये किसने किया है? हम सिर्फ हकीकत बता रहे हैं। सिर्फ हकीकत। आपकी हर मुहिम ने जुल्म किया है मासूम तुर्कों के साथ। हद में रहें अपनी सादत खातून। हम किसी पर जुल्म नहीं करते। हमेशा तुर्कों के मुस्तकबिल के लिए कोशा रहते हैं। हमें अपने साथ ना उलझाएं। तुर्कों का मुस्तकबिल? हाँ तुर्कों का मुस्तकबिल। क्या तुम लोगों ने सोने की खातिर मंगोलों को हम पर मुसल्लत नहीं कर दिया और वो हमला तुम लोगों की वजह से हुआ सरहदी बाजार पे? कहिए कहिए मजीद कहिए लेकिन आप अपना मकसद हासिल नहीं कर पाएंगी। देखेंगे कल तक जब बाजार में एक भी मेज बाकी नहीं रहेगी तब आपको पता चलेगा। अब कोई भी आप पर भरोसा नहीं करता। जाएं सादत खातून चली जाएं। याकूब साहब की दावत आम है। जो भी अपने माल और अपनी जान की हिफाजत चाहता है हर उस शख्स के लिए सरहदी बाजार का दरवाजा खुला है। और हाँ बाला अपने बेटे अलाउद्दीन को बता देना दोबारा मेरी बेटी के करीब मत आए। अगर मैंने उसे दोबारा देखा तो उसे कीमत चुकाना होगी इसकी। सादत तुम मेरे बेटे का एक बाल भी पीका नहीं कर सकती समझी? अगर किसी ने उसे नुकसान पहुंचाया तो मैं उसका सर कलम कर दूंगी। वो वक्त बताएगा।
अरे माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह। ये वो जज्बा है जो ऐसी रियासत बनाएगा जो हमेशा इस तारीख का हिस्सा होगी। मेरे रब का लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, आपने ये जगह क्यों चुनी करारगाह के लिए? सरहदी बाजार तो दूर है। देखो बेटा, ये जमीन हमारे हमसाया कबाइल और दीगर इमलाक के ऐन वस्त में वाके है। सिर्फ कैसल से दूर है, लेकिन वो जगह और हान की अमानत है। लेकिन सरदार, गोरकुलो खान के करीब होना हमारी तरजीह नहीं होनी चाहिए। नहीं, गोरकुलो खान ने अगर मिलने से पहले ही हमला कर दिया तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा और हम ऐसा होने भी नहीं देंगे। उसे ढूंढ के हमें पहले हमला करना चाहिए। बोरान। हुजूर। कोई नई खबर आई है क्या? अभी तक कोई खबर नहीं। जनाब, खबर यानी शहर से, याकूब साहब ने तमाम ताजरों को सरहदी बाजार मतों किया है। सौत पर हमले की वजह से या रब्बे, अगर मैं अभी ना रुका तो मुझे भाई का कातिल कहा जाएगा। तुम कुछ भी कर लो, मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा। याकूब साहब, जब मुश्किल वक्त आता है तो ये हम पर झपटने के मौके का इंतजार करता है। याकूब, मगर अब नहीं होने देंगे हम ऐसा। अलाउद्दीन। जनाब। जाओ सरहदी बाजार फौरन, और याकूब से नजर मत हटाना। जो आपका हुक्म। कोनूर, यहां पहाड़ियों पर सिपाही तैनात किए जाएं। हमें पहले करारगाह की हिफाजत करनी चाहिए। जी जनाब। कोरान। हुजूर। इंतहाई माहिर गाजियों का इंतखाब किया जाए, वो तमाम तरबियत की क्यादत संभालेंगे। ठीक है मेरे हुजूर। जनाब, गोरकुलो खान का पता चल गया हमें। आजा। गोरकुलो खान इतनी आसानी से बेनकाब नहीं हो सकता। कुछ नहीं कर सकते तुम उसका। अरहान के लौटने से पहले हमारा यहां से निकलना जरूरी है। चलो। मदद करो हमारी। यहां क्या हो रहा है? क्या चल रहा है यहां? ये धुआं कहां से आ रहा है? मेरे पेट में बहुत दर्द है। ये क्या हो रहा है? Oh!
ये खुफिया रास्ते का दरवाजा है। ये उस्मान की मिल्कियत वाले शहर हैं, जो उस्मान की अपनी हुदूद की पाबंदी ना करने की कीमत अदा करते हैं। उस्मान के पीछे रहने वालों को अब इसकी बेबसी और जिल्लत देखने दो। सौत से मुतमईन नहीं होंगे वो लोग लगता है याकूब साहब। जब तक शहजादी नहीं मिल जाती वो उस्मान पर हर जगह से हमला करेंगे, और अगर कोई मंगोल दुल्हन को अगवा कर ले तो फिर क्या होगा? हाँ शहजादी, हम क्या करने जा रहे हैं? हम उसके पीछे नहीं जाएंगे या खड़े होकर सिर्फ इंतजार करते रहेंगे? क्या तुमने कभी सुल्तान को इंतजार करते देखा है? शहजादी को पकड़ लेंगे हम, मैं तमाम खेल उलट कर रख दूंगा। तो फिर इंतजार किस बात का? चलिए सिपाहियों को तैयार कर। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। हम एक मुख्तसर रास्ता इख्तियार करेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सुल्तान? आ जाओ। आपने मुझे बुलाया सुल्तान याकूब? मैंने तुम्हें बुलाया है जरकुताई। हाँ मैंने। क्या तुमने वो सब किया जो मैंने तुमको कहा था? जी, जितना मैं कर सकता था। बस तुम कैसे जिंदा हो, जरकुताई अपनी वफादारी साबित करो। तुम मेरे लिए वहां शहजादी को ढूंढोगे। ठीक, जैसा आपका हुक्म सुल्तान। दोबारा खाली हाथ आए तो जरकुताई मैं तुम्हें जला दूंगा। अगर मैं तुम्हें जलाऊं तो आग सबसे पहले तुम्हारे प्यारों को जलाएगी, समझे? अब चले जाओ यहां से। निकल जाओ। शहजादे, खैरियत होगी इंशाल्लाह। सब खैर तो है उस? तुम यहां क्या कर रहे हो? शहजादे, होलोफिरा खातून, होलोफिरा खातून कल से फरार हो गई हैं। कैसे हो सकता है ये? हाँ, और इतने सिपाही कैसे नहीं रोक सके उसे? क्या इसीलिए छोड़ा था मैंने तुम्हें वहां? सिपाही पीछे गए हैं और बाहर जाने वाले रास्तों पर नजर रख रहे हैं, वो कमरे में ये छोड़ गई हैं। होलो फिरा, हर उस फूल को वहीं होना चाहिए जहां वो उगता है। ओरहान, मैं देख रही हूं कि तुम पीछे नहीं हटना चाहते। मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना, ये सबके लिए बेहतर होगा। तुमने सही कहा होलो फिरा, पीछे तो नहीं हटूंगा अब।
चाहे कुछ भी हो, तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढ कर लाऊंगा। उलो फिर सिपाहियों को पैगाम भेजो, जहां जहां मुमकिन हो हर जगह घात लगाए। दुश्मन भरे हुए हैं, इससे पहले कोई उस पर हमला करे उसे ढूंढ कर लेकर आओ। जो हुक्म शहजादे। काराली। शहजादे। अंधेरा होने से पहले ही उसे तलाश करना है, जल्दी। जो हुक्म शहजादे। उस्मान शिकार के लिए निकला है, लेकिन जल्द ही वो खुद शिकार बन जाएगा। हम उस्मान और उसके पीछे चलने वाले हर शख्स को खत्म कर देंगे। हम शहजादी हासिल करेंगे और उसके बाद उस्मान का सर। मेरे सरदार, उस्मान आ रहा है इसी तरफ। हम उस्मान और उसके लोगों का सर उखाड़ देंगे। आग जला सुन, और शहजादी का उसको हिसाब देना होगा। काली रूहें हमारा साथ देंगी। साथियों सब छुप जाओ। मरगन चलो। हिफाजत करो। कद कर दो सबको। उस्मान ये तमाम कबीलों को तमाम बर्बाद कर दो, कोई ना बचे। और उसमें ऐसे घोड़े दौड़ाओ कि उसका वजूद ही ना बचे। जब तक शहजादी नहीं मिल जाती इस तर जमीन पे हर गए खून बहना बंद नहीं होगा। सिपाहियों थाने उठा लो। उस्मान हथियार डाल दो और शहजादी को हमारे हवाले करो वरना मारे जाओगे। ये सरजमीन हथियार डालने से नहीं, ना इंसाफी को कुचलने से आजाद हुई। बोला हुजूर। तीर अंदाजों को मारो। जो आपका हुक्म। शामिल जनाब। तैयार हो जाओ। ये काफिर अब तुर्कों की ताकत देखेंगे।
हमारा अजीम लश्कर तुम्हारी जमीनों पर राज करेगा। उस्मान, जिन्हें हमने इस्तेकामत और मेहनत से हासिल किया ये सरजमीन है, तुर्कों के आगे बढ़ने के लिए राह हमवार करेंगे, ना आसान रुकेंगे ना ही झंडे गिरेंगे हमारे। आओ मेरी बेटी, आओ मेरे पास आओ, अपने बाबा को छोड़ दो। बाबा, बाबा, बाबा। सिपाहियों, इन काफिरों को जिंदा जाने नहीं देंगे हम। मेरी बहादुरी के आगे तुम्हारा वजूद मट्टी के उस ढेर जैसा है जिसे ठोकर मार के बिखेर दो। तुम्हें मैं रखूंगा, अगर मैं ये नहीं कर सका तो मेरे बहादुर करेंगे। अगर मेरे सामने खड़े होंगे तो अपने मकसद के उसूल में सिर्फ बहुत ही तुम्हारे हाथ आएगी। तुम और तुम्हारा खानदान इस तो नाबूद हो जाएगा और हर तुम्हारा साथी घुटने टेक देगा। मेरी शहजादी कहाँ है? ये आग तुम्हें भी जला देगी मंगोल। उस्मान साहब कभी भी शहजादी को तो हमारे लिए क्या हुक्म है गोरखलुहान? शहजादी हमें ना यहाँ मिली ना वहां मिली, यहाँ से बुरसा था एक एक कबीले में जाओ और भस्म कर दो सबको। पहले सोच नहीं, मंगोलों का अजाब सहा है और अब हमारा कहर तुम सबको खत्म कर देगा, कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। तुमने साउथ के साथ जो किया उसकी कीमत अदा करोगे। सिपाहियों, आज इन सब के खात्मे का दिन है। संभाल जाओ। शहजादी मेरे हवाले कर दो उस्मान। सिर्फ एक चीज से तुम मुझ चलोगे, वो मेरी तलवार का वार होगा। अभी भी वक्त है, हथियार डाल दो और कोई रास्ता नहीं, और तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी। कारा चिल्ला सुन गलीस। काली रूहे हमारे साथ हैं, आज हमसे लड़ना आसान नहीं उस्मान। उस्मान, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। इस बार तो तुम मेरे हाथों से बच गए, लेकिन मैं फिर लौट कर आऊंगा। चलो साथियों, हम पीछे हट रहे हैं। आओ ना, आओ ना, इधर इधर आओ। मैदान छोड़ गए, फिर छोड़ गए।
आरा चला सुन डरपोक गीदड़। सिपाहियों, वो कारा चला सुन सिर्फ यहाँ है, मगर कोरकुलुहान यहाँ पर नहीं होगा। हमले में मसरूफ होगा, जगह जगह फैल जाओ और उसे ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ। चलो। हम करारगा जा रहे हैं और आज रात कोई नहीं सोएगा, याद रखो। बहुत कुछ बाकी है, बड़े लेकर आओ फर्क। लोग अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं वालिदा। ये सब आखिर हो क्या रहा है? क्या सब जा रहे हैं? जी वालिदा, चंद लोगों के अलावा सब अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। और कोई चारा नहीं रहा अब हमारे पास। आलगन, किस्मत, जल्दी से तमाम जंगजुओं को कहो कि यानी शहर के तमाम दरवाजे बंद कर दें, तमाम ताजिरों को यहाँ इकट्ठा करें। चलें। अब आप क्या करेंगी वालिदा? देखती जाओ बस। परसुकुन जाओ चला खातून। अलाउद्दीन, इस तरह कौन करता है? कुछ ढूंढ रहा था जो मिल गया मुझे। अब इसे नीचे करो, तुम तो मुझे मार ही डालती। कसम खुदा की, वाकई मार देती। तुम मुझे मार सकती हो? शायद, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अलाउद्दीन, तुम यहां क्या कर रहे हो? एक जरूरी काम था। क्या तुम ठीक हो? उस दिन के बाद तुम्हारी वालिदा ने कुछ कहा? तुम्हारा जरूरी काम हम पर नजर रखना है। गोंजा, जवाब ना देने की वजह तुम्हारी वालिदा है क्या? तुम्हें सूरत हाल नजर नहीं आ रही क्या? आ रही है, मैं ये समझ रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह नामुमकिन है। अभी तक तुमने वो जवाब नहीं दिया मुझे। क्या जवाब है? उस वक्त बात अधूरी रह गई थी। अभी तुम जाओ, अगर हमें किसी ने यहां देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चले जाओ। तो ठीक है, फिर मैं चला जाता हूं ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। निकालो, मेरी बात याद रखना, तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। फौरन शहजादी को तैयार करो, हम इन्हें वहीं ले जा रहे हैं जहां इन्हें होना चाहिए था। यहां तक पहुंच चुके हैं ना वो? नहीं, उससे भी बुरा हुआ कुछ। हमला किया है ना वैशी तुर्क? मैंने कहा था ना, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। या मेरे खुदा, क्या हम तुर्क आपको वैशी लगते हैं? हकीकत पता है क्या है? वैशी तो बाज़ंतीनी है और दूसरे मंगोल हैं, जो बुराई से हुकूमत करता है शहजादी, वैशी वो होता है। बल्कि हम तो वो हैं जिन्होंने जमीन पर अमन कायम किया, जो हमें इस्लाम ने सिखाया, और ये ही हकीकत है। और इंशाअल्लाह ये अमन हमेशा कायम रहेगा शहजादी।
एक दिन तुम इस ख्वाब से बेदार हो जाओगे। तुर्क लोग सिर्फ बुराई के लिए आए हैं। हम रवानगी के लिए तैयार हैं महेंद्र साहब। मुझे अगवा नहीं कर सकते, देखना वो ढूंढ लेंगे मुझे। खुशफहमी है ये। अगर वो लोग हमसे एक हाथ आगे हैं तो हम उन काफिरों से चार हाथ आगे हैं। वो कुछ भी कर ले तुम्हें यहां से नहीं ले जा सकते। कुछ भी हो जाए ये शादी नहीं होगी। सिपाहियों चलो, हम जा रहे हैं। या रब्बी, दुश्मन नई से नई साजिशें करता रहता है, हमेशा हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा ईमान है कि तेरे बनाए मंसूबे हर किसी पर हावी हैं। बस हमें फतह से हमकिनार कर या रब्बी। जैसे ही दरख्त की शाखें आसमान की तरफ बढ़ रही हैं, उसकी परेशानियां भी बढ़ रही हैं। उस्मान साहब, हाय हाय दरवेश अफंदी, जैसे ही पूरी दुनिया में ये शाखें फैल जाएंगी तो हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होगी। आइए आइए दरवेश अफंदी, आइए तशरीफ रखिए, आ जाइए। बहुत शुक्रिया। जब मैंने सुना कि आपने आजाद रियासत बना ली है, मैं आपसे मिलने चला आया। मुबारक हो, अल्लाह कामयाब करे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये दुश्मन हर कदम पर नई रुकावट खड़ी करता है, फिर भी आपको खुशी हुई आजाद रियासत की, ये जानकर अच्छा लगा। खुश रहिए। आपका रास्ता रसूल अल्लाह का रास्ता है। आपको मालूम है मक्का के तमाम आला मर्तबे वाले और दौलतमंद लोग, उन्होंने रसूल अल्लाह के रास्ते में रुकावटें पैदा की और उनके खिलाफ साजिशें की, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को भी बहुत अज़ियतें दी ताकि दीन के रास्ते से हट जाएं। लेकिन वो नहीं हटे, उन्होंने अपना फरीजा मुकम्मल किया। मुशरिकीन मक्का ने आखिरी हरबे के तौर पे रसूल अल्लाह को एक मौदा पेश करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, आपको मक्का का अमीर तरीन आदमी बना दिया जाएगा, बदले में आप अपना रास्ता बदल दें और अपना दावा छोड़ दें, हमारे निज़ाम को ख़राब ना करें। अल्लाह के रसूल की तालीम दुनिया व आखरत में कामयाबी की जमानत है। वो आखिरी नबी हैं, उन पर नाजिल होने वाली किताब में दुनिया और आखरत की खैर है। जो कुछ वो लाए हैं अगर उसे कबूल किया जाए तो दुनिया और आखरत में कामयाबी है, और अगर कोई ना माने तो दुनिया और आखरत का खसारा है। इंसान को बुतों को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करना लाजिम है, उसका कोई शरीक नहीं। हुजूर ने वाज़े तौर पर फरमा दिया, अगर ये सूरज को मेरे दाएं हाथ और चांद को मेरे बाएं हाथ पर रख दें तब भी मैं दीन की तबलीग से हरगिज़ पीछे नहीं हटूंगा। और अब आपका रास्ता भी अल्लाह के रसूल का रास्ता है। वह आपके पैरों के नीचे गुलाब की जगह बहुत से कांटे बिछाएंगे, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे। दुरुस्त कहा, दुरुस्त कहा। हमारा मकसद सिर्फ सिरात मुस्तकीम पर चलना है। हमारा मकसद रसूलुल्लाह का मकसद है। हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मर्द मोमिन होते थे हमेशा। बेशक ऐसे साहबी थे जो रसूल अल्लाह के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते। दरवेश अफंदे, आपसे काफी अरसे से मुलाकात हो रही है, चींटियों वाला किस्सा अब तक याद है मुझे। अब फिर से आपका सामना हो गया, आपके अल्फाज हमारे रास्ते को रोशन करते हैं। मैं अगर जसारत करूं आपका नाम जानने की तो हद से तजावुज तो नहीं करूंगा। अस्तग़फिरुल्लाह, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं ताब्दूक का यूनुस हूं, लेकिन अब सिर्फ एक दरवेश। यूनुस, यूनुस अहमद,
यूनुस एमरे आप हैं? ओए ओए माशाल्लाह, ओए ओए, तो आइए गले लगिए। ओह यूनुस एमरे, यूनुस एमरे, ओए माशाल्लाह, हम आपके कलाम, आपके अशार बहुत दिल जमाई से सुनते आ रहे हैं और अब आप मेरे सामने खड़े हैं, बिल्कुल मेरे सामने। ओए माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह। तो आपने सुन लिया खुद मुख्तार रियासत का, हा? तो चलिए, अगर आपको मुनासिब लगे तो हम देखना चाहेंगे आपको मजीद यहां। जब तक खुदा की मर्जी होगी हमारे रास्ते एक रहेंगे, हम हमेशा उनके साथ हैं जो हक पर होते हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, आपको जैसा ठीक लगे, जैसा आप चाहें। यूनुस एमरे, यूनुस एमरे, पैदल गए हैं वो लोग, ज्यादा दूर नहीं जा सकते। हर जगह तुम लोग फैल जाओ, हर सूरत में मुझे वो यहां चाहिए, जल्दी। जो हुक्म शहजादे। जो हुक्म शहजादे। ज्यादा देर नहीं छुप सकती तुम मुझसे, ढूंढ ही लूंगा तुम्हें। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत खफा होगे, मगर मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। शहजादी, महल तक पहुँचने के लिए तवील सफर तय करना है, बेहतर होगा हम रात यहीं गुजार लें और कोई मुनासिब जगह तलाश कर लें। हम लोग कहीं नहीं रुक सकते आंद्रे, और हाल हमारे पीछे होगा, हमें चलना चाहिए। तुम मारना चाहती हो मुझे? हाँ, तो मारो ना, रुक क्यों गई? तुमने हमें कैसे ढूंढा? मैं थक चुका हूं, होलो फिरा थक गया हूं अब मैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, हाँ, हर दफा तुम्हें समझाता हूं, हर जगह दुश्मन मौजूद है, कैसे भूल सकती हो ये बात? जबरदस्ती कैद नहीं कर सकते मुझे। तो मेरे पास तो बहुत सारे रास्ते हैं ना, एक दफा तुम खुद को देखो जरा, मेरे साथ चलो होलो फिरा। तुम बिला वजह आए हो औरान, वापस नहीं जाऊंगी मैं, अत्रनोस जा रही हूं। मुझे सबर दे यार, अब रुको, तुम मेरे साथ ही चलोगी, तुम्हारी आंखें बता रही हैं मोहब्बत है तुम्हें मुझसे। अब से तुम्हारा घर कैस्टल है, हरगिज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। सिपाहियों, चलो कैस्टल चले। जो हुक्म शहजादे। और हाँ, ये सब करने से मुसीबत में पड़ जाओगे, मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मेरी खाला जंग शुरू कर देंगी,
तो उन्हें जंग करनी है। हाँ ठीक है, कर लें, इससे अच्छी तो और कोई बात ही नहीं है। हाँ मगर होलो फिरा, इस जंग में मेरी मोहब्बत गालिब आएगी और मैं ये तुम्हें लिख के भी दे सकता हूं। चलो चलो सिपाहियों। जबरदस्ती नहीं रोकेंगे, पहले आप सब मेरी बात सुने, उसके बाद ही दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिसका दिल चाहे जा सकता है। काई के बहादुर हजरात और बहादुर खवातीन, ये मुत्तहिद होने का वक्त है, यानी शहर के बाजार में आपकी जाने और माल हमारी अमानत है। जिसने सौद पर हमला किया, क्या वो यानी शहर पर हमला नहीं करेगा? याकूब साहब ने सही कहा, हम यहाँ नहीं रुक सकते। अपनी जान बचाने के लिए जाना चाहते हैं या महसूल से बचना है? सबसे पहले आप अपने आप से पूछ कर देखें। दरवाजे पर सबसे पहले हमला करने वाला वो होता है जिसके पास सबसे ज्यादा सिक्के होते हैं। अगर आप चंद सिक्कों के लिए अपने मकसद से हट जाएंगे तो आप अपने बच्चों के चेहरों को कैसे देखेंगे? सलीम आगा, आपने अपना सामान इकट्ठा क्यों नहीं किया? आपने सुना नहीं, याकूब साहब किसी से महसूल नहीं ले रहे। मलहून खातून, मैं और मेरी जान उस्मान साहब की मकरूज है और मैंने वादा किया था उस्मान साहब से कि मैं मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। बहुत खूब सलीम आगा, अल्लाह आपसे राजी हो। आप सबका क्या ख्याल है, जिनके थैले भरे हुए हैं सोने से, क्या आप उस्मान साहब और मरहूम अर्तुरुल गाजी से वफादारी के मरहूने मिन्नत नहीं? फिर आप सब क्यों भटक रहे हैं? हमने कह दिया जो हमें कहना था, दोस्तों की जगह यहाँ है, दुश्मनों के लिए दरवाजे खुले हैं। सिपाहियों दरवाजे खोल दें। खातून, होलो फिरा की खाला की तरफ से कोई खबर आई? नहीं, होलोफेरा आज बाजार में भी नजर नहीं आई। पता लगाना होगा हमें, उसे तना नहीं छोड़ सकते। आप ठीक कह रही हैं, हमें उस पर नजर रखनी होगी। महमद, कल जाके देखो कि होलोफेरा क्यों नहीं आई, क्या बात है। आप फिक्र मत कीजिए बाबा, मैं देख लूंगा। होलोफेरा और महमद की शादी के बाद बारी आएगी कौन जागी। उसमें अभी वक्त है वालिदा। क्या मतलब खातून, क्या आपने गोचा के लिए किसी को पसंद किया है? कोई है जो गोंजा से अपनी नजरें नहीं हटा सकता। कौन है वो? सरदार अलाउद्दीन। उस्मान साहब का बेटा अलाउद्दीन। ये आप क्या कह रही हैं गोंजा, क्या ये सच है? बताओ मुझे।
हाई, पुरसुकून हो जाइए। अपनी बहन से इस तरह बात मत करो मेहमत। गोंजर्स के बारे में कुछ नहीं जानती। अलाउद्दीन सरदार को गोंजा से मोहब्बत हुई है। वो आज या कल रिश्ता भेजेंगे। यह नहीं हो सकता, उस्मान के बेटे से शादी नहीं हो सकती। मेहमत, बाबा वालदा की बात नहीं सुनी आपने? वो उस्मान का बेटा है। क्या करेंगे आप? क्या शादी कर देंगे इसकी? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा जो अभी तक पूछा नहीं गया। उस्मान को आने दो और अपना सवाल पूछने दो। उसे जवाब मिल जाएगा। अभी के लिए भूल जाओ और यनी शहर के बाजार में कल कोई दुकान नहीं खुलेगी। आप तमाम कारीगरों को घसीट कर यहां ले आएंगी। आप हरगिज फिक्र ना करें सरदार, हम ये मसला हल कर लेंगे। मैं आपको ये काम सौंपता हूं गोचा, आप ये काम करेंगी। जैसा मेरे बाबा का हुक्म। ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सुल्तान? आ जाओ। सुल्तान, गोरखलू खान आया है। गोरखलू खान, चलाओ। जैसा कि आपने हुक्म दिया था मेरे हुजूर, औराज साहब और उनके जंगजू तासली टेपे के मकाम पर आबाद हो गए हैं और तैयार हैं। सरवल साहब और इनके जंगजू किराग जंगल में इंतजार कर रहे हैं। वो किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। अभी तो हमने उन्हें रोक दिया, लेकिन शहजादी को ले जाने तक वो कोशिश करते रहेंगे। अब जिनकी तरबियत मुकम्मल हो चुकी उन्हें इंहिसार के मकाम पर अमरेहान के यहां रवाना कर दिया जाए। जो आपका हुक्म सरदार। सबसे पहले उन्होंने सौत पर हमला किया, फिर वहां से उन्होंने काला कैशलर कबीले पर हमला किया और वहां से हमने सुना के किरकाज की तरफ कूच कर गए हैं। वो ये वाजे है कि वो यहां से दुमानिश की तरफ हमला करेंगे और वो वहां जाके बूढ़ों और बच्चों को निशाना बनाएंगे। जनाब, कहो क्या बात है? 50 जंगजू मजीद तैयार हैं। हम तुलूबे आफ्ताब से पहले इनसार जाएंगे। जो हुक्म जनाब। जनाब, मैं जंगजुओं को तैयार करूंगा और रात में ही डोमैनिक की तरफ निकल जाऊंगा। सुनो, तलुए आफ्ताब के वक्त जाएंगे। किस वक्त और कैसे हमला करना है ये मैं बताऊंगा। ठीक है मेरे हुजूर। कुरान, तुम हमारे साथ जंग पर नहीं जाओगे, तुम शहजादी को लेकर जाओगे। तुर्कों की आजादी के लिए शहजादी का हमारे पास होना बहुत जरूरी है। जो आपका हुक्म। जाओ। Thank you.
से तुम ना वाकिफ हो सुल्तान याकूब। तुम तख्त पर बैठे रहे इस्तकबाल नहीं किया। मैंने आपकी मदद को कबूल नहीं किया था शहजादे गोरखलू खान। मेरी शहजादी कहाँ है सुल्तान याकूब? अगर आपको लगता है कि वो मेरे पास है तो आप सऊद पर नहीं बल्कि कताहिया पर हमला करते। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि शहजादी कहाँ है। उस्मान हम दोनों का दुश्मन है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हाँ एक फर्क है, वो आपका दुश्मन है और मेरा रकीब। तुम भी मेरी तरह उसके खून के प्यासे हो याकूब। ना मैं कुचला हुआ हूं और ना कुचला जाऊंगा शहजादे। क्या आप में उस्मान सरदार को कुचलने की ताकत नहीं है? याकूब, मेरी कमान में तुम जैसे 100 मौजूद होंगे, वो महसूल भी अदा करते हैं और ताबे हैं मेरे। सुनकर कैसा लगा? उकसाने की कोशिश ना करो मुझे, क्योंकि तुम जानते हो कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका मकसद मुझे आपके खिलाफ करना है तो आप उसी रास्ते पर चलते रहे। जो भी हमसे डरता है वो हमारे खिलाफ कभी खड़ा नहीं होता। मेरी बात गौर से सुनो, मेरे पास शहजादी ले आओ, ना महसूल ना कोई और परेशानी बचेगी तुम्हारे पास याकूब। सोच समझ के फैसला करना। मंगोल काफिर। खड़े हो जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, चलो खड़े हो जाओ। जनाब मैं तैयार हूँ जनाब, और जंग में साथ जाना चाहता हूँ मैं। ओए माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह। ये है बहादुर, गौर से देखें से, सब गौर से देखें से, इसका दिल शेर का दिल है। ये जज्बा हरेक के पास है, आप में से हरेक के पास है। ये अगर गिर भी जाए तो खड़े होने से हिचकिचाएगा कभी नहीं, जो किसी भी तरह के नुकसान को कबूल नहीं करता। ये वो दिल है जो धड़कता है तो सिर्फ फतह ही के लिए। हर किसी के सीने में धड़कता है, हर किसी के सीने में, यही चीज है। हमें दूसरों से मुमताज करती है जो तुर्कों की आजादी को तुर्क तलवार के हाथ में अमानत बनाती है, यही चीज है वो। और वो जो हमारे साथ नहीं है उन्हें अपनी मसनदों पर बैठकर आराम करने दीजिए। आधी रात को
जो चीज हमें मजबूर करती है ये मश करने के लिए, यही दिल है। फतेह इस्लाम के लिए धड़कता ये दिल। बताइए जरा, आपके सीने में दिल क्यों धड़कता है? जिहाद के लिए जनाब। ये दिल क्यों धड़कता है? इस्लाम की खातिर जनाब। हाय माशाल्लाह, हाय माशाल्लाह। जब हमने रियासत कायम करने का फैसला किया, आपको क्या लगता है हमने इस बारे में नहीं सोचा? हम जैसे ही इस रास्ते पर निकले, हमें इस जंग का अंदाजा हो गया था। अलबत्ता कुछ सरदारान हमारा साथ नहीं देंगे। अलबत्ता हम में से कुछ हमारी पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश करेंगे। सलेबी हर तरफ से हम पर वार करेंगे। मंगोल हमें शिकस्त देने के लिए हर मौके से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हम सभी जानते हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा, अल्लाह हमारे साथ है, और अगर अल्लाह ने चाहा तो यकीनन फतह हमारी होगी। सिपाहियों, यह हुक्मरानी अमानत है और मैं इसका ईमानदारी से ख्याल रखूंगा। बिल्कुल। हम अगर हम ये नहीं जानते थे कि ये काफिर बाजंतीनी हमें शिकस्त से दोचार करने के लिए शहजादी को मंगोलों के हवाले कर देंगे, हम ये बिल्कुल नहीं जानते थे। सिपाहियों, हम सभी सीधे रास्ते पर हैं। अगर दुश्मन खौफ सदा हरगिज फिक्र मत करें, हम इंशाल्लाह साबित कदम रहेंगे, जख्मों पर मरहम रखेंगे, अपने शहदा अपने गाजियों का इंतकाम उनसे लेकर रहेंगे। कोई भी फिक्र मत करे। मुझे बताइए फिर से, ये दिल क्यों धड़कता है? इस्लाम की खातिर जंग के लिए। ये दिल क्यों धड़कता है? इस्लाम की खातिर जंग के लिए। ये दिल क्यों धड़कता है? इस्लाम की खातिर जंग के लिए। हे माशाल्लाह, हे माशाल्लाह। सिपाही जंग के लिए तैयार है। आखिरी तैयारियां मुकम्मल कर लें, गुरगुल खान पर हमला करेंगे। ये लोग ऐसे नहीं रुकेंगे, हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। कहते हैं उनकी जिंदगी का मसला है, मगर असल मसाला तो महसूल का है। और वालिदा, अमीर तरीन ताजरों ने तो सबसे पहले अपना सामान इकट्ठा किया। चंद ही ताजर ऐसे हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। हम उनका पता लगा सकते हैं, लेकिन इससे हमारी तिजारत को नुकसान पहुंचेगा और हमारी मुश्किलात भी बढ़ जाएंगी। नहीं, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। अब से हमारी बात ना मानने वालों के साथ सख्ती से पेश आएंगे बाला खातून। आलगन, तुमने सुना नहीं? हाँ, क्या हुआ है? तुम सुबह से कुछ खोई खोई सी हो। नहीं तो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, कुछ नहीं। भाई, क्या आप मिले थे गौंजा खातून से बाजार के बाद? तुम क्यों खामोश नहीं रह सकती हो? क्या ये ठीक कह रही है? क्या मैंने कुछ कहा नहीं था तुम्हें? असल में बात वो नहीं है वालिदा। वालिदा, सादत खातून ने गौंजा खातून को भाई के साथ खड़ा देखकर उन पर हाथ उठाने की कोशिश की। अरे वाह मेरी बेटी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। पहले क्यों नहीं बताई तुमने हमें ये बात? सादत खातून ने गुंजा खातून को मुझसे मिलने से मना कर दिया है। आलगन खातून ने जो सुना वो सच नहीं है।
खातून, क्या कोई गलती हो गई मुझसे? आप ऐसे क्यों देख रही हैं? तुम नहीं जानती कि तुमने क्या किया है। धोखा नहीं किया तुमने मेरे साथ। तुमने वालिदा को मेरे बारे में मुखबरी नहीं की। गौंजा खातून, वो मैं चुप। मुझे लगा तुम मेरी साथी हो कुलचे, मगर तुम तो मेरी वालिदा के साथ हो। अब बस, आइंदा तुम्हें अपने इर्द गिर्द ना देखूं मैं। माफ कर दें, मैं दोबारा नहीं करूंगी। मुझे अपने से दूर मत करें, माफ कर दें। नहीं, अब भरोसा नहीं तुम पे। जो शख्स किसी की पीठ पे वार करे, वो किसी का दोस्त नहीं हो सकता। तुम यहां क्या कर रही हो गौंजा? मैं गुलचे से काम की मालूमात ले रही थी वालिदा। तुमने आज फिर मेरे हुक्म की नाफरमानी की है गौंजा। अगर मैं उस वक्त ना आती तो अलाउद्दीन को सब कुछ बता देती। जी हाँ, उसे बताने वाली थी मैं, और आप मेरी जासूसी करवाती रही। आप जानती हैं, अपनी वालिदा से एतमाद उठ जाना सहरा में तन्हा होने के बराबर है। तुम अपनी खुशी से इस सहरा में गई हो गौंजा, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। याद रहे, दोबारा ना फरमानी ना, हरगिज अलाउद्दीन से मिलने की कोशिश ना करना। मुझे और भी काम है, आपकी इजाजत है वालिदा? तुमने अपने भाई और पापा की बात सुनी? वो अलाउद्दीन के बारे में जानते हैं। वो तुम्हारे करीब तो आए जरा, फिर देखना मेहमत उसके साथ क्या करता है। वालिदा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं मेरे साथ? वालिदा बताइए। ये बताने के लिए कि तुम मेरी इजाजत के बगैर अलाउद्दीन के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती और अपना दिमाग इस्तेमाल करती तो मैं सबको कायल करके खुद अपने हाथों से तुम्हें दुल्हन के लिबास पहनाती। बाबा के कुछ ना कहने पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, उनके दिमाग में एक बहुत अच्छे दामाद का रिश्ता है। तुम यही चाहती थी ना? अब तुम अपने इंतखाब की कीमत अदा करोगी।